आपसे मांग कर रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को रख रहे हैं, तो आप उसको रोक कैसे सकते हैं? आर्टिकल 19 में स्पष्ट कहा गया है, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप जो है फंडामेंटल राइट है, आप किसी को भी बोलने से रोक नहीं सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों के लिए बिहार सरकार के तरफ से नया फरमान जारी हुआ है, जहां उन्हें नोटिस जारी कर इस बात की चेतावनी प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दे डाली है कि जो लोग नई नियमावली के विरुद्ध प्रदर्शन करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ऐसे में इस फरमान के बाद बिहार में हलचल काफी तेज हो गई है। बिहार शिक्षकों की एक उग्रता अब नजर आ रही है और इसी कड़ी में बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा निशाना साधते हुए ये कहा है कि ये जबरदस्ती है, आप किसी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं छीन सकते हैं और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा और ये प्रदर्शन रुकेगा नहीं क्योंकि ये नियमावली पूरी तरीके से गलत है। एमएलसी जीवन कुमार ने किस तरीके से बिहार सरकार की किरकिरी उड़ाई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनकी ही चेतावनी के बाद खुली चुनौती दे डाली है। आपको छोड़ जाते हैं उनकी पूरी बातों के साथ। जो आज एक लेटर जारी किया है कि विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के विरोध में अगर शिक्षक आंदोलन करते हैं तो उनके खिलाफ नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी, इस संबंध में आप क्या कहें? देखिए, हमारा स्पष्ट कहना है कि किसी को भी अभिव्यक्ति की आजादी है इस देश में। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की हत्या आप नहीं कर सकते हैं। सरकार ने जो चिट्ठी जारी की है वो लोकतंत्र की हत्या करने वाली चिट्ठी जारी की है। जब शिक्षक हमारे बीच अभिव्यक्ति कर रहे हैं, अपनी बातों को जनता के बीच बता रहे हैं, सरकार को बता रहे हैं और आपसे मांग कर रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को रख रहे हैं, तो आप उसको रोक कैसे सकते हैं? आर्टिकल 19 में स्पष्ट कहा गया है, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप जो है फंडामेंटल राइट है, आप किसी को भी बोलने से रोक नहीं सकते हैं। आप कैसे धरना सोच दीजिएगा उनको? धरना करना उनका अधिकार है। अब मैं उनके धरने के साथ हूं, आप जान लीजिए बात को। कहीं भी पूरे बिहार में धरना होता है और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। आप इमरजेंसी को याद कीजिए, इंदिरा गांधी ने इस तरह का इमरजेंसी लगाने का काम किया था और उस इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी का हश्र क्या हुआ उसको याद कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री से हम आग्रह करना चाहेंगे, हम महागठबंधन के नेताओं से आग्रह करना चाहेंगे कि आपने चुनाव के पहले आप वादा किए थे शिक्षकों से कि जितने भी नियोजित हमारे कर्मी हैं 3.5-4 लाख के करीब है, उन सभी को राजकर्मी का दर्जा देंगे। और जब राजकर्मी का दर्जा देने की बात आई तब आप एग्जाम की बात कर रहे हैं और एग्जाम में अपनी बातों को, अब वो कह रहे हैं 58 साल 59 साल 60 साल के करीब जो पहुंचने वाले शिक्षक हैं उनको भी आप मजबूर कर रहे हैं कि वो भी एग्जाम दें। आप बताइए ना साहब, एक साल में रिजल्ट जारी कीजिएगा आप, फिर कहिए कि आप क्या हो गए। ये गलत बात है, आपके पास कोई स्पष्ट क्लियर जो है कि नियमावली नहीं है और आप मजबूर कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनके साथ अन्याय हो रहा है और मैं उनके अन्याय के साथ हूं। वो धरना प्रदर्शन करने से आप उनको रोक नहीं सकते हैं और मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, जान लीजिए आप।